हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्यू वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बिहार SSC थर्ड CGL का प्रैक्टिस सेट दो देखेंगे। इडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट दूसरा है, उसको आज हम लोग देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको GK और साइंस का यहाँ पर करवाने वाला हूँ, और मैथ और रीजनिंग जो बच जाएगा उसको मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, और आप वहाँ पर वीडियो को रोक करके उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी आप पूरा सेट इस जो मैं बताऊँगा आज आपको इससे सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है। मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है, इसका क्या कारण है? इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है, यानी कि सभी जगह पर मुद्रा जो है स्वीकार्य है, इसलिए यह सबसे तरल है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, सागरमाला परियोजना, आपने सागरमाला परियोजना का नाम सुना होगा, यह किस कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से संबंधित है? तो सागरमाला परियोजना जो है सो बंदरगाह को विकसित करने से संबंधित है। सागरमाला परियोजना बंदरगाह को विकसित करने से संबंधित है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, भारत में कृषि आय की गणना किस विधि से की द्वारा की जाती है? कृषि आय की गणना जो है किस विधि द्वारा की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, उत्पादन विधि द्वारा। कृषि आय की गणना किस विधि से की जाती है? तो उत्पादन विधि से की जाती है। अब देखिए, आगे पांच नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है, छह नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैं सारा क्वेश्चन आप लोगों को बताते जा रहा हूँ। सात आप लोग खुद से बनाइए, आठ भी बनाइए, उसके बाद देखिए ऊपर जो है अब वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नौ नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है, दस नंबर रीजनिंग, ग्यारह रीजनिंग, उसके बाद देखिए टोटल जो है सो 12 रीजनिंग, 13 रीजनिंग, 14, 15, उसके बाद देखिए 16, इधर 21, इधर आप देखिए 17, इधर 22, 23, 24, उसके बाद 18, 25, 26, 19, 20, 27, 28, 29, 30, सारे यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। आप लोग देखते जाइए और उसको वीडियो को रोक करके आप लोग सॉल्व करते जाइएगा, ठीक है? उसके बाद देखिए, जैसे GK आएगा मैं आपको फिर से बताना स्टार्ट कर दूंगा। ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखिए यहां से आपको GK का क्वेश्चन दिख रहा होगा। 56 नंबर क्वेश्चन से देखिए GK क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि टाटा IPL 2022, ये 15वां सीजन था IPL का, 15वां सीजन था। टाटा IPL 2022 में ऑरेंज कप किसको मिला है? ऑरेंज कप का खिताब किसको मिला है? तो ये जो मिला है दोस्तों, जॉस बटलर को ऑरेंज कप मिला है। ऑरेंज कप मिलता क्यों है? तो जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं पूरे टूर्नामेंट में, जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं उनको ऑरेंज कप मिलता है। और पर्पल कप किसको मिलता है? पर्पल कप मिलता है जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं। तो पर्पल कप मिला है युजवेंद्र चहल को, इन्होंने टोटल 27 विकेट लिया था, तो इनको मिला है सबसे ज्यादा पर्पल कप इनको मिला है। और जॉस बटलर कितने रन बनाए थे? 863 रन, टोटल 863 रन बनाए थे। और ये कहाँ के खिलाड़ी थे? राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी थे। तो इनको मिला है ऑरेंज कप ज्यादा रन और पर्पल कप ज्यादा विकेट, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य द्वारा लोक मिलिनी योजना शुभारंभ किया गया है? लोक मिलिनी योजना, तो लोक मिलिनी योजना जो शुभारंभ किया गया है वो किया गया है पंजाब राज्य के द्वारा। लोक मिलिनी योजना जो शुभारंभ किया गया है पंजाब राज्य के द्वारा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अर्धभूमि दिवस 2 फरवरी 2022 की थीम क्या थी? अर्धभूमि दिवस जो मनाया जाता है, विटलैंड डे जो मनाया जाता है 2 फरवरी 2022 को जो मनाया गया था, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। क्या थीम थी? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, उबर कप 2022 के विजेता कौन देश है? तो उबर कप 2022 के विजेता जो है दक्षिण कोरिया है। मैंने आपको कल क्वेश्चन बताया था कि थॉमस कप पहली बार कौन सा देश जीता है? थॉमस कप जीता है भारत। किसको हरा करके जीता है थॉमस कप? इंडोनेशिया को हरा करके भारत
इंडोनेशिया को हरा करके भारत पहली बार कौन सा कप जीता है, थॉमस कप जीता है। यहाँ पर उबर कप का बात है, तो उबर कप 2022 के विजेता कौन है, साउथ कोरिया है। और किसको हराया है इसने, इसने चीन को हराया है। साउथ कोरिया ने किसको हराया है, चीन को हरा करके यह जो है सो खिताब जीता है। और जो खिताब जो है साउथ कोरिया का दूसरा खिताब है, इसने एक बार पहले भी इसको जीत रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60वां क्वेश्चन, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की घोषणा के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण इलाकों में हर घर जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो गया है। हर घर जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य जो हो गया है, गोवा हो गया है। हसन शेख महमूद निम्नलिखित में से किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। हसन शेख महमूद जो है किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमालिया के। हसन शेख महमूद जो है सोमालिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। 62 नंबर क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के तहत अब तक हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, 2024 से 25 तक। किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष सोलर ट्री विकसित करने का कीर्तिमान बनाया है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस देश ने बनाया है, राइट आंसर हो जाएगा भारत। अब देखिए दोस्तों, भारत में बना है सोलर ट्री, तो भारत में कहाँ पर बना है सोलर ट्री, तो यह बना है पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर में। WB का कहाँ, दुर्गापुर में बना है विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री। 64 क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2021 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान है 46वां। भारत में कब तक औसत अनुमानित आयु 70 वर्ष करने का लक्ष्य बनाया गया है। औसत आयु जो है अनुमानित 70 वर्ष करने का लक्ष्य कब तक का बनाया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2025 तक। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय कहने का मतलब हुआ कि जो चुंबक से दूर भागता हो, ठीक है, विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है, यानी कि इसका जो है ऋणात्मक हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होता है, चालक तार का प्रतिरोध जो है तापमान के बढ़ने से क्या होता है, बढ़ता है। चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार है तो इसका प्रतिरोध तापमान बढ़ने से बढ़ेगा, लेकिन यही अगर अर्धचालक हो जाए तो तापमान बढ़ने से इसका प्रतिरोध कम होता है, ठीक है, अर्धचालक में कम होता है लेकिन चालक तार में बढ़ता है। 69 क्वेश्चन देखिए, पायरोमीटर निम्नलिखित को मापने के प्रयोग में लाया जाता है, पायरोमीटर से क्या चीज मापा जाता है, तो पायरोमीटर से उच्च तापमान जो है वो मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के दबाव के बराबर हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के दबाव के बराबर हो जाता है तो उस तापमान को हिमांक बिंदु कहते हैं। 71 क्वेश्चन देखिए, सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है, तो 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो मध्य स्थिति में होती है, मध्य स्थिति में उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। जैसे देखिए ये लोलक है, ये लोलक है, ठीक है, ये हिल रहा है, यहाँ से पहले यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ हो रहा है, तो यहाँ पर रहेगा तो स्पीड बढ़ते रहेगा, बढ़ते 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 यहाँ तक आएगा तो मैक्सिमम स्पीड रहेगा, फिर स्पीड घटना चालू होगा यहाँ पर आकर फिर जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ से आएगा यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा फिर यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो जो मध्य स्थिति बोलते हैं, इस स्थिति को मध्य स्थिति बोलते हैं, तो मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी क्योंकि यहाँ पर गति सबसे ज्यादा होता है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो गया। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें कैसी होती है, उठने वाली लहरें कैसी होती है, ऐसी होती है लहरें, कैसी होती है, जो
जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें जो होती है वो कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है, यानी कि लंबवत होती है, यानी ऐसे ऐसे लंबवत तरंग बढ़ रहा है आगे, लेकिन कण ऊपर नीचे हो रहा है, यानी कम कण जो है सो गति की दिशा के लंबवत में कंपन कर रहा है, इसलिए उसको अनुप्रस्थ बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, ये सही है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम जाती है, ये भी सही है। नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाती है, ये भी सही है। प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। आपको कौन सा गलत पूछ रहा है, तो यही आपका आंसर जो है सही हो जाएगा। प्रतिबिंब अगर रेटिना पर बनेगा तो कोई दृष्टि दोष नहीं होगा, कोई भी दृष्टि दोष होता है तो प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है। 74 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट-60 का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? सिनकोना का कौन सा भाग, सिनकोना का जो दोस्तों छाल का उपयोग करते हैं औषधि के लिए। ईस्ट यानी खमीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? ईस्ट में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन जो पाया जाता है वो पाया जाता है विटामिन B12। विटामिन B12 जिसको कि जिसका नाम क्या है, साइनो कोबालामीन। विटामिन B12 का नाम क्या होता है, साइनो कोबालामीन। 78 क्वेश्चन देखिए, यूकैरियोटिक कोशिका में के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें इसमें समसूत्री विभाजन होता है, ये सही है। इसमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये भी सही है। इसमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होती है, ये गलत है। इसमें इसमें 80 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, ये भी सही है। तो यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ये आपका रिक्तिका की उपस्थित नहीं होती है, ये गलत है, क्योंकि इसमें रिक्तिका की उपस्थित होती है। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? तो हमारे शरीर की गर्मी है, गर्मी को उष्मा की क्षति को रोकता है, ठीक है। यानी ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो फ्रुक्टोज के कारण होता है, यानी कि फलों का मीठा स्वाद जो है फ्रुक्टोज के कारण होता है। निम्न में से नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो सभी प्रोटीन का जो है नाइट्रोजन अनिवार्य घटक होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सत्य फल है? सत्य फल कौन सा है? तो आम जो है सत्य फल है। और सत्य फल होता कैसा है, जिस फल के बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है उसे सत्य फल कहते हैं। पुष्प का केवल अंडाशय भाग लेता है तो उस फल को सत्य फल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कोशिका सिद्धांत। ये कोशिका सिद्धांत कौन दिया था? कोशिका सिद्धांत जो दिया था वो दिया था स्लाइडन और स्वान दिया था, रॉबर्ट हुक ने नहीं दिया था। कौन दिया था? स्लाइडन और स्वान। कौन दिया था? स्लाइडन और स्वान जो कोशिका सिद्धांत दिया था। लाइसोसोम का खोज डी डूबे किया था, इंसुलिन का खोज बेटिंग बेस्ट किया था, और परिसंचरण रक्त परिसंचरण का विलियम हार्वे किया था। ये तीनों तो सही है, लेकिन सुमेलित कौन नहीं है? कोशिका सिद्धांत का यहाँ पर रॉबर्ट हुक दिया था, जो कि गलत है। कोशिका सिद्धांत का खोज जो किया था वो स्लाइडन और स्वान ने किया था। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व का परमाणु संख्या 17 है, द्रव्यमान संख्या 56 है, तो उसमें न्यूक्लियॉन्स में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? जो द्रव्यमान संख्या है उसमें से जो परमाणु संख्या है उसको घटा लेते हैं तो निकल जाता है न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 19। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? देखिए, जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? केवल ऑक्सीजन से तो जंग लगेगा नहीं, केवल कार्बन डाइऑक्साइड जंग लगेगा नहीं। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा जल, ऑक्सीजन तथा जल दोनों चाहिए, यानी कि आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
विद्युत चालन करने के लिए अधिकांश द्रव अम्लोक्षारकों और डैश के विलयन होते हैं। अम्ल क्षार और लवण के विलयन होते हैं विद्युत चालन के लिए। जो भी द्रव है वो अम्ल क्षार और लवण का विलयन होता है। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। क्या है? ओजोन जो है ऑक्सीजन का एक अपरूप है। निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे निम्न होता है? सबसे पहले तो आपको ज्वलन ताप जाना, जिस न्यूनतम ताप पर कोई, ज्वलन ताप किसको बोलते हैं, जिस न्यूनतम ताप पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ कर दे उसको ज्वलन ताप कहते हैं। अब देखिए लकड़ी, लकड़ी जो है इसको आप 100°C पर रखेंगे तब जलना चालू होगा। प्लास्टिक का भी यही हालत है, थोड़ा सा कम होगा, कागज थोड़ा सा और कम जलेगा, लेकिन पेट्रोल, पेट्रोल में थोड़ा सा भी ताप बढ़ेगा तो जलना चालू कर देगा। यानी कि सबसे न्यूनतम जो है पेट्रोल का ज्वलन ताप होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोल। देखिए चर्म रोग उपचार के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप निम्न से कौन सा है? तो चर्म रोग जो होता है उसके उपचार करने के लिए जो रेडियो, रेडियो आइसोटोप होता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो है दोस्तों रेडियो फास्फोरस। रेडियो फास्फोरस का उपयोग जो होता है उस चर्म रोग के उपचार के लिए किया जाता है। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाते हैं? वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, 90 का सी हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो मैथ का क्वेश्चन है, तो आप मैथ क्वेश्चन देखते जाइएगा, रोक रोक के वीडियो को सॉल्व करते जाइएगा। ठीक है, मैं आपको सारे क्वेश्चन को दिखा रहा हूँ। देखिए सारा क्वेश्चन यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन है, आप सारा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। जो सॉल्व नहीं होगा वो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि ये सॉल्व नहीं हुआ है, इसको बताना है। ठीक है, मैं बता दूंगा। 116 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिस संविधान, 116 नंबर क्वेश्चन का, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया, उसके सदस्य कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, सदस्य थे जो उस संविधान सभा के सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन सा रिट निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है तो निजी स्वतंत्रता, यानी कि हमारी अपनी निजी स्वतंत्रता है उसको जारी रखा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो 12। पहले क्या था? पहले था राज्यसभा में 12 था और लोकसभा में कितना था? 2 था। लेकिन लोकसभा वाला जो है 2 खत्म कर दिया गया है, अब केवल राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो करता है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ही संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। और दोस्तों ये जो खत्म किया गया है, लोकसभा में 2 जो मनोनीत करता था एंग्लो इंडियन को, उसको खत्म किया गया है 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है? राज्यसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकता है, कौन है ऐसा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे मंत्री जो राज्यसभा सदस्य हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई थी? संविधान के किस संशोधन के द्वारा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 15वां संशोधन के द्वारा उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी आयु जो है सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया था।
भारत के महान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए दार्शनिक मार्गदर्शक एवं एक मित्र के रूप में कार्य करते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, अगर लोक लेखा समिति के लिए जो महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, वो दार्शनिक मार्गदर्शक और एक मित्र के रूप में कार्य करते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कानून और व्यवस्था। कानून और व्यवस्था जो है स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। अजात शत्रु निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? अजात शत्रु जो है दोस्तों वो किस वंश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियक वंश। हरियक वंश से संबंधित है अजात शत्रु। सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य है, उसको किसने सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान किया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स ने। सेंड्रोकोटस एक बुक था, उसमें सेंड्रोकोटस नाम का यूज किया हुआ था। सेंड्रोकोटस नाम जो है चंद्रगुप्त मौर्य का है, ये किसने बताया था? विलियम जोन्स ने बताया था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन है? कर्नाट वंश का जो संस्थापक वो कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायदेव। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन है? तो न्यायदेव है। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा किससे संबंधित है? दार उल सफा जो है इसका संस्थापक कौन है? फिरोज तुगलक है। लेकिन यह जो दार उल सफा है यह किससे संबंधित है? यह खैराती अस्पताल था। दार उल सफा जो था खैराती अस्पताल था। तबकात ए नासिरी के लेखक निम्न में से कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिन्हाज उस सिराज जो है सो तबकात ए नासिरी के लेखक थे। दसवंत और वसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार निम्न में से किस मुगल सम्राट के दरबारी थे? दसवंत और वसावन जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वो मुगल सम्राट, कौन से मुगल सम्राट के राजदरबारी थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अकबर के राजदरबारी थे दसवंत और वसावन, जो कि महान चित्रकार थे। निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? टी एस जो अलकॉट था वो होम रूल लीग से संबंधित नहीं था। एनी बेसेंट भी संबंधित थे, एम सुब्रमण्यम अय्यर भी संबंधित थे, बाल गंगाधर तिलक, तीनों जो है सो होम रूल लीग संबंधित थे, लेकिन टी एस अलकॉट जो था वो संबंधित नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो जालियांवाला बाग में जो प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में जो है जमा हुए थे। निम्न में से किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद जो है स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो यह हो जाएगा कॉपरनिकस। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो सौरमंडल का भाग यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निहारिका। निहारिका जो है तो सौरमंडल का भाग नहीं है। धूमकेतु, ग्रह, क्षुद्र ग्रह तीनों सौरमंडल का भाग है, लेकिन निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। कन्याकुमारी सटी पहाड़िया निम्न में से कौन है? कन्याकुमारी से सटी जो पहाड़िया है
कौन है? तो कार्डेमम की पहाड़ी, ठीक है। कार्डेमम की जो पहाड़ी है वो कन्याकुमारी से सटा हुआ है। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? सतलज और काली नदी के बीच जो हिमालय है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कुमाऊं हिमालय कहा जाता है, उसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण अमेरिका का जो मध्य अक्षांशीय है घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंपास, पंपास, ठीक है। गंगा नदी किनारे बसा सबसे बड़ा शहर निम्न में से कौन सा है? गंगा नदी किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। गंगा नदी किनारे सबसे बड़ा जो बसा हुआ शहर है वो कौन सा है? तो कानपुर है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? परवाल भित्ति कहाँ नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैम्बे की खारी। कैम्बे की खारी जो है सो परवाल भित्ति यहाँ पर नहीं पाई जाती है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल काफी यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो है नीदरलैंड में। कहाँ पर है? तो नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना है इसको प्रस्तावित किसने किया था? तो ये टांसले ने किया था। इसका पूरा नाम क्या है? एजी टांसले। क्या याद रखिएगा? एजी टांसले। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम यानी कि जो मानव द्वारा बनाया गया पारिस्थितिकी तंत्र है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धान का खेत। जैसे धान का खेत जो है सो मानव निर्मित होता है, धान का खेत मानव लगाता है, तो धान का खेत जो है सो मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? किसको कौन खाता है? देखिए, घास को कौन खाता है? घास को टिड्डा खाता है, ठीक है। घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा यानी कीड़ा मकोड़ा। कीड़ा मकोड़ा कौन खाता है? मेढक खाता है। मेढक को कौन खाता है? सर्प खाता है। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊर्जा की मात्रा जो है सो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर जाने पर घटती है, ठीक है, घटती है। 46 का आपको जो हो जाएगा राइट आंसर ए। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री जो दोस्तों वो स्थित है अंटार्कटिका में। अपना शोध स्थान है दक्षिण गंगोत्री, भारत का शोध स्थान अंटार्कटिका में। क्या नाम है उसका? दक्षिण गंगोत्री। जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया? जंतर मंतर का निर्माण कौन करवाया था? तो जंतर मंतर का निर्माण जो करवाया था वो करवाया था महाराजा जयसिंह ने। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक जो है वो माना जाता है जेएच भाभा को, होमी जहांगीर भाभा को, एचजे भाभा को। लास्ट क्वेश्चन आज का, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात क्या है? 2011 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जो लिंगानुपात है वो कितना है? तो 918 है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आज क्वेश्चन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।